सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 11वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम ब्रीफिंग सत्र 2018-19 का आयोजन शहर के चांद चौराहे स्थित शकुंतला पैलेस में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि 29वीं वाहिनी SSB के डिप्टी कमांडेंट राम कुमार प्रसाद, सब इंस्पेक्टर शिवलाल व अन्य थे। प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से रविवार को दुर्वे में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर शिक्षण संस्थान के द्वारा विशेष नामांकन शिविर बागेश्वरी रोड स्थित मोहल्ला संजय नगर में लगाया गया। संस्थान के अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि संस्था के करीब 4 वर्षों से आर्थिक रूप से गरीब एवं असहाय लोगों को निःशुल्क शिक्षा और सेवा दी जा रही है, इसी के संदर्भ में आज शिविर लगाया गया। शिविर में ऑन द स्पॉट आर्थिक रूप से गरीब 85 छात्र छात्राओं का नामांकन किया गया। ऑल इंडिया अब्दुल कयूम अंसारी विचार मंच के तत्वाधान में स्थानीय घुगड़ी तार साई मंदिर के निकट अब्दुल कयूम अंसारी की 47वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर समाज बचाओ, आरक्षण बचाओ, पहचान बनाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंच का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद तरगीब अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं बेलागंज प्रखंड के रेवाड़ा में मोहम्मद वसीम अंसारी के आवास पर अब्दुल कयूम अंसारी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें लोहरी का उत्सव गुरुद्वारा कैंपस में मनाया गया। सभी प्रबंधक कमेटी के लोग और पंजाबी बिरादरी के लोग पहुंचे, लोहरी के उत्सव का आनंद उठाया और लोहरी में 3 मूंगफली को डालकर आग में अर्पण करके परंपरा को निभाया। फिर बच्चे और महिलाओं ने डांस करके आनंद लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कस्तूरबा विद्यालय तरोवा में विधिक शिविर का आयोजन पैनल लॉयर सह न्यायिक सदस्य सिविल कोर्ट शेघाटी के चंदन कुमार सिंह, अधिवक्ता PLV राकेश कुमार ने अनाथ बच्चों को गोद लेने के बारे में विशेष जानकारी दी। गुरुआ बाजार की बुरहा गली में लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में ग्रामीण चिकित्सक का एक बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण चिकित्सक के प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ खाप सरपंच डॉक्टर विनोद कुमार ने किया। बैठक में ग्रामीण चिकित्सक को होने वाले 22 जनवरी से परीक्षा के बारे में बताया गया। चिरघाटी में गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। चिरघाटी थाना अध्यक्ष ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 3 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया गया है। गया के पुलिस लाइन DSP साबिर हसन खां के अंगरक्षक कुंदन कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। लाइन DSP ने बताया कि मृतक कुंदन अपने सर्विस रिवॉल्वर की सफाई के दौरान गोली चल गई। गोली लगने के बाद पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। अन्य पुलिस कर्मियों ने देखा कि गोली लगी है। आनन-फानन में घायल कुंदन को अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक कुंदन नालंदा जिले के दीप नगर का रहने वाला है। मृतक की पत्नी मोतिहारी पुलिस बल में प्रशिक्षु सिपाही के तौर पे तैनात है। घटना की सूचना के बाद वरीय पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मृतक कुंदन कुमार के गया पुलिस लाइन ग्राउंड में सलामी दी गई। सुरक्षा में थे, अब मैं ऑफिस में काम कर रहा था। लगभग 11 बजे वो मुझे बोले कि मैं जा रहा हूँ सर, अपना हथियार को साफ करा ले रहा हूँ। 15 से 20 मिनट बाद वो एक फायर की आवाज़ मिली। हम भी ऑफिस से दौड़े और बाकी लोग दौड़े तो देखे कि वो गिरे पड़े हैं। वो गिरे मतलब तो लोग उठा करके ला रहे हैं उनको गाड़ी की तरफ। वो लोग भागे भागे हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में इलाज में डॉक्टर साहब लोग लगे। उसके बाद वो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो नहीं रहे। वो मैं अंदर ऑफिस में था, मुझसे ये कह करके गए कि मैं अपना हथियार साफ कराने जा रहा हूँ। इसी के लगभग आधे घंटे के अंदर 20 मिनट आधा घंटे चूँकि एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं देखा तो उसी आसपास वो फायर की आवाज़ मिली। लोग भी भागे। जब तक वो उसको गाड़ी की तरफ ला रहे थे और हम लोगों ने जल्दीबाजी में फिर हॉस्पिटल में खुद लिया। घटना कहाँ घटी सर? पुलिस लाइन में ही। मैगजीन आया। बहुत दुखद घटना। मगध प्रमंडल आयुक्त TN विंदेश्वरी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की प्रमंडल स्तरीय बैठक की गई।
बैठक में सभी सदस्य एवं गैर सरकारी सदस्य ज्योति देवी मौजूद थी। बैठक में आयुक्त ने निर्देश दिया कि परमंडल के जितने भी बस स्टैंड है उनका आरटीई के तहत अधिसूचना जारी आवश्यक है। एनसीसी की स्पेशल क्लासेस बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होने वाला है। उसके पूर्व ही एनसीसी कैडेट्स के लिए गया कॉलेज, गौतम बुद्ध महिला कॉलेज सहित आदि कॉलेजों में एनसीसी की स्पेशल क्लासेस 6 बटालियन बिहार एनसीसी द्वारा दी जा रही है। इस संबंध में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जेएस अर्जुन ने बताया कि कैडेट्स को फिजिकल प्रैक्टिस के साथ रिटर्न एग्जाम के लिए कैडेटों को स्पेशल क्लासेस दी जा रही है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में 26 जनवरी 2019 गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि इस बार के परेड में सीआरपीएफ की टीम भी भाग लेगी। उनके 34 जवान परेड में भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह इत्यादि के संबंध में संबंधित पदाधिकारी से तैयारी कर लेने को कहा गया है। हसरा रूबैला टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कोरमथु में 90 बच्चों को एएनएम आभा कुमारी और आशा वैक्सीनेटर जगुआ देवी के देखरेख में लगाया गया। टीका लगाने के उपरांत सभी बच्चों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान प्रधान शिक्षक बशीर अंसारी, शिक्षक इमरोज अली, खालिदा परवीन, नुसरत परवीन मौजूद रहे। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के सुहौल सलैया थाना अंतर्गत तारानगर पोखरी गांव के सुरेश चौधरी के घर में आग लगने से सुरेश चौधरी बुरे तरह से झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। सलैया थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वजीरगंज कॉलेज इंटर के छात्रों द्वारा बीते दिन प्रखंड मुख्यालय परिसर में उत्पात मचाने एवं वीडियो पर हुए हमले के विरोध में प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के सभी कर्मी शनिवार को कलमबंद हड़ताल पर रहे। वे सभी कार्यालय तो आए लेकिन उपस्थिति बनाकर आम आदमी के सभी कार्य स्थगित कर दिया।